कोरोना वायरस के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने तमाम मज़ारात को आइंदा 3 हफ्तों के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। लाहौर दाता दरबार, बीबी पाक दामन, हजरत बाबा शाह जमाल दरबार सील कर दिए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दाता दरबार के बाहर मौजूद हूँ और हुकूमत पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि पंजाब के तमाम छोटे बड़े दरबारों को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये इकदाम इसलिए किए गए हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और इस तरह जितने भी दरबार हैं, जिसमें दाता दरबार है, बीबियाँ पाक दामन है, माधू लाल सरकार है और इसके साथ जितने भी यहाँ पर छोटे मोटे दरबार हैं, इन सब को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और हुकूमत की जानिब से जो नोटिस जारी किए गए, उनके कहना है कि 3 हफ्ते तक जो जितने भी दरबार हैं वो इसी तरह बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए और जितने भी यहाँ पर छोटे दरबार हैं या बड़े दरबार हैं, उन सब को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अली, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दाता दरबार के बाहर मौजूद हूँ और हुकूमत पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि पंजाब के तमाम छोटे बड़े दरबारों को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये इकदाम इसलिए किए गए हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और इस तरह जितने भी दरबार हैं, जिसमें दाता दरबार है, बीबियाँ पाक दामन है, माधू लाल सरकार है और इसके साथ जितने भी यहाँ पर छोटे मोटे दरबार हैं, इन सब को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और हुकूमत की जानिब से जो नोटिस जारी किए गए, उनके कहना है कि 3 हफ्ते तक जो जितने भी दरबार हैं वो इसी तरह बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए और जितने भी यहाँ पर छोटे दरबार हैं या बड़े दरबार हैं, उन सब को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अली, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दाता दरबार के बाहर मौजूद हूँ और हुकूमत पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि पंजाब के तमाम छोटे बड़े दरबारों को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये इकदाम इसलिए किए गए हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और इस तरह जितने भी दरबार हैं, जिसमें दाता दरबार है, बीबियाँ पाक दामन है, माधू लाल सरकार है और इसके साथ जितने भी यहाँ पर छोटे मोटे दरबार हैं, इन सब को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और हुकूमत की जानिब से जो नोटिस जारी किए गए, उनके कहना है कि 3 हफ्ते तक जो जितने भी दरबार हैं वो इसी तरह बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए और जितने भी यहाँ पर छोटे दरबार हैं या बड़े दरबार हैं, उन सब को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अली, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दाता दरबार के बाहर मौजूद हूँ और हुकूमत पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि पंजाब के तमाम छोटे बड़े दरबारों को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये इकदाम इसलिए किए गए हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और इस तरह जितने भी दरबार हैं, जिसमें दाता दरबार है, बीबियाँ पाक दामन है, माधू लाल सरकार है और इसके साथ जितने भी यहाँ पर छोटे मोटे दरबार हैं, इन सब को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और हुकूमत की जानिब से जो नोटिस जारी किए गए, उनके कहना है कि 3 हफ्ते तक जो जितने भी दरबार हैं वो इसी तरह बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए और जितने भी यहाँ पर छोटे दरबार हैं या बड़े दरबार हैं, उन सब को ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अली, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।